अभी आप देख सकते हैं अभी हम लोग सैंडविच बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे एक टोमेटो ले लिया है, एक हमने ओनियन लिया है। अब इसको रफली चॉप करेंगे। ये जिस तरीके से चॉप ने कटिंग किया है, ये टोमेटो है, ये अभी टू एग लिए है। इसमें दोनों एग को इस तरीके से फोड़ेंगे। ये भी एग फोड़े हमने। अब इसमें डालेंगे सॉल्ट, रेड चिल्ली पाउडर एंड हल्दी पाउडर। आप अभी देख सकते हैं इसमें डाल दिया हमने रेड चिल्ली पाउडर, चिल्ली पाउडर डाल दिया इसमें। अभी ये चॉप होने का टोमेटो कटा हुआ डाल देंगे हम। अभी ये सॉल्ट डाल दिया हमने, सॉल्ट डाल दिया। अभी हम इसको ये सब मिक्स करेंगे, मिक्स हो जाएगा इस तरीके से। अब हमने गैस चालू है, गैस का शुरू में ये अभी है नॉन स्टिक फ्राई पैन। अभी ऑमलेट बनाने जा रहे हैं, ऑमलेट सैंडविच। ये ऑयल है, ऑयल लेंगे इसमें 2 टेबल स्पून। आप चाहिए तो कम ऑयल ले सकते हैं। अभी 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है मैंने गाइस, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा गाइस। ये हमने ये है नॉन स्टिक फ्राई पैन बोल के गाइस इसको। हम डाल देंगे इसके ऊपर एंड इस तरीके से हमारा ऑमलेट रेडी हो जाएगा। ये ऑमलेट अभी हमने ब्रेड में बटर लगा इस तरीके से, तीनों ब्रेड में बटर लगा दिए हम। यहाँ पे तीन लेयर के ब्रेड में दे दिए। यहाँ पे अभी हम ये ब्रेड में लगाएंगे इस तरीके से। ये ग्रीन चटनी या कि हरा चटनी है, अच्छे से लगाएंगे साइड साइड में गाइस इस तरीके से। इसमें ग्रीन चटनी लगाएंगे। ये अभी ऑमलेट रेडी हो गया इस तरीके से। ऑमलेट रेडी होने के बाद हम यहाँ पे इसको निकालेंगे। अभी ऑमलेट को हम लोग ने इस तरीके से कटिंग 1/4 किया है। यहाँ पे ब्रेड के ऊपर कटिंग, ब्रेड के ऑपर डाल दिए ऑमलेट। ये अभी इस तरीके से हम लोग सैंडविच ऑमलेट सैंडविच रेडी हो चुका है गाइस। वीडियो पसंद है, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिए। ये अपना इस तरीके से अपना वीडियो।